युवा बेरोजगारों ने आक्रोश महारैली निकालकर पेपर लीक माफियाओं का खात्मा करवाने व रासुका कानून लागू करने, पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने सहित कई मांगों को लेकर उपेन यादव व राजकुमार फौजी के नेतृत्व में शहर में मोर्चा खोल दिया। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में हजारों युवा बेरोजगारों ने सुबह 11 बजे अहिंसा सर्किल चुंगी चौक से उपखंड अधिकारी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। हमने आज कुशावन में निकाली है, पूरे प्रदेश में यौन आक्रोश है पेपर लीक के खिलाफ। हम कह रहे हैं पेपर लीक माफिया को खात्मा किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। विधानसभा सत्र आने वाला है, युवाओं के लिए बजट लाने वाले हैं, लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है उसको कैसे रोका जाए? आप रोके, इनका भविष्य को बचाइए। बेचा जा रहा है भविष्य को, पेपरों को बेचा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाओ, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, राष्ट्रपति लागू करिए, भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाइए। आपने 24 तारीख का पेपर रद्द किया, उससे पहले वो बस कहां गई थी उसकी जांच की? तो राजस्थान के युवा न्याय मांग रहा है, और यदि एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो अब 2023 में चुनाव होंगे, नेताओं का भविष्य लीक कर देंगे। राजस्थान के युवा खुली चेतावनी दे रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं हुए, इस बार चुनाव होंगे रोजगार नौकरी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए। अभी भी सरकार के पास समय है कि पेपर माफियों को पकड़े, उनके बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाए और उनकी संपत्ति जब्त करे। राजस्थान के युवा न्याय मांग रहे हैं, राजस्थान के युवा कह रहे हैं कि होने वाले 1,00,000 भर्ती परीक्षाओं को बचाया जाए, आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए। तो राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं मिला, पेपर लीक युवा होते रहे तो 2023 में नेताओं का भविष्य राजस्थान के युवा लीक करेंगे, और खुली चेतावनी दे रहे हैं। अब न युवा रुकेगा न झुकेगा, और संघर्ष अंतिम शास्त्र करेगा जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाएगा।